ब्रेड की मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 वाइट ब्रेड लिए हैं। मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध से बनाऊँगी मटका कुल्फ़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 3 ब्रेड लिए हैं। अगर आप ज़्यादा दूध लें या कम दूध लें तो उसके हिसाब से आप ब्रेड की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले ब्रेड के जो ये कॉर्नर्स हैं इनको हम कट करके निकाल लेंगे, ब्राउन वाले। बस देखिए मैंने इसे कट करके निकाल लिया है। तो मिक्सर का जार लेंगे और जो ब्रेड है उनको तोड़ के डाल देंगे और इनको हमें अब ऐसे ही पीस लेना है ब्रेड क्रम्स के जैसा। तो बस इनको पीस लेते हैं ऐसे ही ड्राई। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड को भी पीस लिया है, बिल्कुल ऐसा ही पीस लेना है ब्रेड को। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ 1/2 लीटर मिल्क लिया है, आप कोई भी मिल्क यहाँ पर ले सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क या नॉर्मल जो भी यहाँ पे घर में मिल्क आता है आप उससे इस मटका कुल्फ़ी को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्तन में थोड़ा सा पानी पहले से ही डाल दिया है ताकि जो दूध है वो नीचे तले में बैठे ना दूध को बॉयल करते समय। तो बस ये दूध निकाल लेंगे और इसमें पानी वगैरह नहीं मिक्स करेंगे अब ऊपर से। तो मैं आज ये मटका कुल्फ़ी 1/2 लीटर मिल्क से बना रही हूँ। दूध को रख देते हैं गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध को ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है, दूध को मैंने अच्छे से 4 से 5 मिनट उबाल लिया है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, तो आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 5 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी की जो मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा जैसा आपको मटका कुल्फ़ी खाना पसंद होगा। पर अगर आप ये 5 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो मटका कुल्फ़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं बनेगी। तो अब चीनी को भी अच्छे से उबलने देते हैं दूध में। चीनी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें ये ब्रेड क्रम्स जो हमने पीस के रखा है। तो जो ब्रेड क्रम्स है वो सारा एक बार में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें ये ब्रेड क्रम्स को डालना है। देखिए ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम ब्रेड क्रम्स को डालेंगे। इस ब्रेड क्रम्स को डालने से क्या होता है कि जो दूध है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और दूध को हमें घंटों उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए। और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये कुल्फ़ी। तो देखिए फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो बचा हुआ ब्रेड क्रम्स है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इन्हें पकाएंगे। ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 से 5 मिनट में ही ये जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ कटे हुए बादाम। आपको जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना हो आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी बस ज़रा सा ये लिक्विड येलो फूड कलर। ये फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। ये डालने से बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाएगा, ये देखिए। तो इसको अभी हम और थोड़ी देर बॉईल करते हैं क्योंकि अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध को बॉईल करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए जो दूध है अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो बस इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद अभी ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं लास्ट में डाल देती हूँ इसमें इलायची जो मैंने इस तरीके से क्रश करके रखी है, इलायची डाल देंगे। डाल के बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और दूध को पूरी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं। जब इसको ठंडा होने देते हैं और देखिए यहाँ पे जो दूध है पूरी तरह से ठंडा हो गया है और पहले से थोड़ा सा ही गाढ़ा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक विस्क लिया है, आप चाहे तो कोई भी स्पून ले सकते हैं या फिर आप ये जो प्रोसेस है इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं। मिक्सर में डाल करके 1 से 2 मिनट आप इसे चला लें, पर मैं यहाँ इसे विस्क से ही अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से दूध में मिक्स एंड मैच हो जाए। इस तरीके से जो दूध होगा ना बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मुझे यहाँ पे दूध थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दूध ऐड किया है। तो देखिए थोड़ा सा ये पतला हो गया है, तो बस ऐसा ही हमें रखना है। इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। और देखिए बहुत ज़्यादा ये क्रीमी लग रहा है, अच्छे से एकदम मिक्स हो गया है ब्रेड दूध में। आप चाहे तो आप इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर इस कुल्फ़ी को जमाने के लिए मैं ये पेपर ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो कुल्फ़ी है बहुत अच्छे तरीके से जम जाती है और बहुत ही आराम से निकल आती है, तो मैं इसी पेपर ग्लास में इस कुल्फ़ी को जमाऊँगी। मैंने सभी पेपर ग्लास में कुल्फ़ी को डाल लिया है, तो अब इसको इस तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। आप इसे बटर पेपर से भी कवर कर सकते हैं या फिर कोई अगर प्लास्टिक का पेपर हो तो उसे भी कवर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी को कवर कर दिया है और बीच में मैंने इसमें नाइफ से होल करके इसमें जो आइसक्रीम स्टिक होती है वो भी इंसर्ट कर दिया है। तो अब इसको फ्रिज में रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसे निकालेंगे। 7 से 8 घंटे हो गए हैं तो मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जो कुल्फ़ी है कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से जम जाती है इस पेपर ग्लास में और बहुत आराम से निकल भी आती है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब इस कुल्फ़ी को हम ग्लास में से निकाल लेते हैं, तो बस इसको हल्का हल्का समय हाथों से प्रेस करना है। और देखिए जो कुल्फ़ी है ना, ये ग्लास के किनारे हैं देखिए, छोड़ दी है इस तरीके से, तो बस हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे और बहुत ही आराम से निकल आएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल गया है। तो बस इसी तरीके से हम सभी कुल्फ़ी को निकाल लेंगे, बस इनके किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर देखिए कुल्फ़ी का कितना अच्छा आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये कुल्फ़ी है बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा यम्मी है। अगर आप इसे किसी को बना के खिलाएंगे और उन्हें बताएंगे नहीं कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है, तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, घंटों दूध उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट ये कुल्फ़ी बनके रेडी हो जाती है। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं इस कुल्फ़ी को बनाने में। तो आप लोगों को ये ब्रेड की मटका कुल्फ़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।